रामू नाम का एक लड़का अपनी गरीब माँ सुमन के साथ रहता था। सुमन एक बेरोजगार थी, उसके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था। सुमन के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर एक दिन रामू अपनी माँ सुमन से कहता है, माँ तुम मुझे पैसे दे दो, मेरे सभी दोस्त पटाखे जला रहे हैं और मेरा भी बहुत मन कर रहा है। बेटा रामू, अभी दिवाली आने में कुछ दिन का समय है, मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद पटाखे जरूर दिलवा दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेटा मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद ढेर सारे पटाखे दिलवा दूंगी। माँ जब भी मैं आपसे कुछ मांगता हूँ आप मुझे कभी नहीं दिलाती हो। उदास होकर रामू वहाँ से चला जाता है। तब सुमन कहती है, त्योहार का समय आ रहा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्योहार के दिन सभी लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, राजू के पास तो कपड़े भी नहीं है। सभी लोग नए नए कपड़े पहनेंगे और स्वादिष्ट भोजन खाएंगे। मैं अपने इकलौते बेटे रामू को कभी कुछ नहीं दिला पाती हूँ, क्या मैं इस दिवाली को उसे पटाखे और कपड़े दिला पाऊंगी? हे भगवान, तुमने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है? कुछ दिन बीत जाते हैं, दिवाली आने में बस एक दिन का समय बचा था। गांव के सभी लोग अपने घरों की सजावट कर रहे थे, लेकिन सुमन और रामू बहुत उदास थे, क्योंकि उनके घर ना तो खाने के लिए खाना था और ना तो कुछ खरीदने के लिए पैसे थे। वे दोनों अपने घर में बहुत उदास होकर बैठे हुए थे, तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। जब सुमन जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे इस घर में कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ हाँ दादी, क्यों नहीं, आप अंदर तो आइए। मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अगर मुझे खाना मिल जाता तो भगवान तुम्हारा भला करते बेटा। घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, बस थोड़े से चावल के दाने बचे हैं, मैं वही लाकर दादी को दे देती हूँ। त्योहार के समय भला कोई भूखा पेट घर से जाए, ये अच्छा नहीं लगता है। आइए दादी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। सुमन एक कटोरी चावल लाकर बूढ़ी दादी को दे देती है। दादी आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे पास इस चावल के सिवा और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम भूखे को भोजन दे रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। बूढ़ी दादी सुमन के व्यवहार और इतने साफ दिल को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और एक परी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ये देखकर सुमन बहुत हैरान हो जाती है। सुमन, तुम एक गरीब होने के बावजूद भी गरीबों की कितनी मदद करती हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी और तुम उस परीक्षा में सफल हो गई हो। आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, आज से तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। ये लो, ये एक जादुई दिया है, इस दिया से अगर तुम कुछ भी मांगोगी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये दिया कभी भी नहीं बुझेगा और हमेशा जलता रहेगा। तुम्हें जब भी कुछ मांगने की जरूरत हो बस जादुई दिया से बोलकर मांग लेना। परी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझ गरीब को इतना बड़ा उपहार दे दिया, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी, आज से मेरा जीवन ही बदल जाएगा। ठीक है, तुम अपना और अपने बेटे का ध्यान रखना, अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। सुमन बहुत खुश हो जाती है और जादुई दिया से कहती है, जादुई दिया तुम मेरे बेटे रामू के लिए पटाखे दे दो। सुमन के ऐसा कहते ही उसके सामने पटाखे प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। सुमन दिवाली की जरूरत की सारी चीजें जादुई दिया से मांग लेती है। सुमन जादुई दिया से पटाखे, कपड़े, पैसे और ढेर सारे अनाज भी मांग लेती है। अब सुमन बहुत खुश हो जाती है। ये दिवाली हम लोगों की सभी की तरह बहुत खुशी से बीतेगी। दिवाली का दिन आ जाता है।
सुमन और रामू बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। वे दोनों नए नए कपड़े भी पहने थे। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब मुझे सामान भी मिल पाएगा। ये दिवाली मेरी सबसे अच्छी दिवाली है। हाँ बेटा, इसीलिए कहते हैं कि हमें सभी की मदद करनी चाहिए। पहली बार रामू और सुमन इस दिवाली पर इतने खुश दिखाई दे रहे थे। सुनीता, रामू और उस गांव के लोग बहुत ही खुशियों के साथ दिवाली मनाते हैं और एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।